ये रोड देखो वैसे खाली रहता है पूरा, इसलिए ना इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है ज़्यादा भगाने में, और इसलिए आपको बता ही दें कि वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है अपनी पैंथर पर राइड होने वाली है, जो कि भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम राइड है। लगभग भाई 10 से 15 दिनों को इसे नहीं चला रहे हैं, जो कि रील्स वगैरह डालने हैं वो पहले की पड़ी हैं, और इसे बहुत दिनों बाद भाई लेके आ गए हैं। अपने गांव आए थे तो खाली रोड पे, और ये देखो भाई पागल आदमी बैठा है। तो गाइस हम जो है बिना टाइम गवाए हुए सीधा राइड पे निकलते हैं, और गाइस आप जो है पैंथर की राइड का पूरा इंजॉय लीजिए। जो है इसको जो है ज़्यादा हाई स्पीड नहीं चलाएंगे, नॉर्मल स्पीड से ही चलेंगे। आप लोग जो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बाकी ये देखिए बाइक पूरी गंदी है, चला नहीं रहे इसलिए। बाकी यार देखो ये रैप वगैरह भी निकलने लगा, इसको वापस से सही करवाना है। तो गाइस राइड के लिए निकलते हैं, आपको जब पूरा एंजॉय आएगा, मज़ा आएगा, और व्यू भी देख लीजिए सामने भाई, हवा चल रही है, ये बादल भी अच्छे हैं इधर। तो निकलते हैं फिर, आ जाओ गाइस। पैंथर रिस्टार्ट होने में प्रॉब्लम करे तो चलो बाय बाय। गाइस निकल चुके हैं राइड के लिए, आपको जो पूरा मजा आने वाला है। हमारे गांव के रोड अक्सर खाली रहते हैं, बट इस टाइम जब से अच्छे अच्छे रोड बने ये तब से भाई चलने लगे हैं। चलो कोई ना, बट अपने को क्या प्रॉब्लम है भाई, ये क्या है ये देखो भाई। अब बताओ कोई हाई स्पीड में आएगा, ये गिट्टी पड़ी है, कोई फिसल जाएगा नहीं फिसल जाएगा, क्या बोले छोड़ो, कोई ना अपने को क्या करना। तो गाइस भाई लॉन्ग टाइम हो गया अपनी पैंथर पे जो कि राइड मारते हैं, क्योंकि भाई 8 से 10 दिन या 10 से 15 दिन हो चुके हैं जो कि मैंने इसे चलाया नहीं है, क्योंकि ये जो न्यू शॉप ओपन हो रही है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से थोड़ा बहुत काम पड़ जाता है, इधर उधर जाना पड़ता है। और अभी भी यार क्या ही बोलें, बाकी आप लोग राइड का एंजॉय लीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो में। भाई देखो पूरा भाई गांव के लोगों की सोच देखो, क्या गांव के लोगों की सोच नहीं कारनामे देखो। अब बताओ पूरे आधे रोड पे देखो ये क्या पड़ा है, मक्का पड़ी है। अब कोई यार आएगा, कोई नया इंसान आएगा, उसको नहीं पता रहेगा इधर क्या पड़ा है, तो सीधा इसमें जाके भिड़ेगा नहीं, और इस पर भिड़ेगा तो सीधे जाके खंती में गिरेगा, खाई में। तो क्या बोले, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने इधर ये लोग क्या बोले, कैसे नियम कानून है भाई, पुलिस वगैरह सब लोग देखते होंगे बट कुछ बोलते नहीं है, क्या ही बोलें भाई। ऐसे पूरा रिस्क रहता है यार, बताओ अब इस पर मेरी बाइक सीधी हो जाए तो मैं कंट्रोल कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अब कौन समझा है भाई। इसको आज 100 लेके जाते हैं बहुत दिनों बाद रानी को भाई। अपना पैंथर यार रॉकेट है, रॉकेट रॉकेट भाई रॉकेट, ऐसी खिंचती है ना, ऐसी भागती है, क्या ही बोले हैं। अब ये इधर से अभी एक पड़ेगा मोड़, वो निकल जाए फिर इसको 100 लेके जाते हैं। अब भी देखना वो, ये देखो भाई बड़ी मोड़ है और कुछ दिखता भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे संभाल के निकालने का। भाई देखो अब सामने भी मक्का पड़ी है, अब कहाँ से ओवरटेक होगा, क्या बोले, इन लोगों ने क्या करके रखा है सब, ये पूरा गलत बात है इन लोग का, बट कोई ना यार करने दो, क्या बोले भाई। हमारे बोलने से कौन ये लोग मान जाएंगे, मानने तो वाले नहीं वैसे। बाकी गाइस गाइस लग रहा है पेट्रोल ख़त्म हो रहा है अपनी पैंथर में, जो कि हमको माइलेज ब्लॉग बनाना था, अभी एक झटका दिया है। अब ख़त्म होगा तभी फिलअप करेंगे, जो कि मैंने बोतल में रख रखा है पहले से ही। और गाइस आपको बता दूं इसी ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग जो है अपनी N160 का जेन्युइन माइलेज भाई, एकदम रियल माइलेज के ऊपर होगा, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा, 1 से 2 दिन में आ जाएगा। बाकी आप लोग राइड का एंजॉय लीजिए।
भाई 100 लेके जाते हैं, 100 अभी खाली है ना इसलिए 100 हो जाएगा छोड़ देंगे, 100 हो गया, 100 ओके बस भाई। सेफ्टी अपने हाथ में रखते हैं इसलिए भाई बाय। गाइस उधर जो है बहुत ज़्यादा वाटर था या कुछ समझ लो कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए अभी बीच में जो है वीडियो रोक दिया था। बाकी अब वापस से स्टार्ट है हाइपर राइड भाई की आपके। भाई रॉकेट रॉकेट का पावर देखो क्या भागती है। अब चलते हैं 60 से 70 की स्पीड में आराम से और आप लोग भी इंजॉय लेते रहिए राइड का। भाई देखो यार मिट्टी उछल रही है, गाड़ियाँ निकलती हैं इसलिए। भैया कौए भैया हट जा रहे। गाइस ये लो रॉकेट। और आप लोग बताइए कि नेक्स्ट ब्लॉग जो है अपना तो हो जाएगा माइलेज के ऊपर, उससे फिर उसके बाद ब्लॉग जो है किस टॉपिक पे लाया जाए। बाकी आप लोग को जो है अगर ब्लॉग में या रील्स में या शॉर्ट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम दिखती तो आप लोग बताओ, मैं उसको सुधार लाऊंगा, उसको और बेटर करूंगा। आप लोग बताते नहीं हो यार, मेरे को प्रॉब्लम तो पता चले क्या है तो इससे आप लोग नहीं देखते हो, आप लोग बताओ तो मैं देखूँ उसको और उसमें सुधार लाऊँ। जय श्री राम। गाइस ये देखिए मोड़ अच्छी सी यहाँ पे झुकाएंगे हल्की सी। समीर भाई सही से पकड़ लेना, अभिषेक सही से पकड़ना, सही रहना भाई। भाई लहरा बना दूं नागिन अपने पंथर को। ये रोड देखो वैसे खाली रहता है पूरा, इसलिए ना इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है ज़्यादा भगाने में। और इसलिए आपको बता ही दें कि हम जो है भीड़ भाड़ में या जो भी है भाई ज़्यादा स्पीड में चलाते नहीं है, क्योंकि ना सेफ्टी जो है सबसे पहले सेफ्टी रखते हैं भाई। तो इसलिए जिस पे बहुत कम बाइक कार्स वगैरह चलती हैं उसी पर भगाते ज़्यादातर। और गाइस क्या बोले, सुबह सुबह का टाइम था, सोचा यार मॉर्निंग टाइम पे ही आज ब्लॉग शूट किया जाए। भाई बहुत ही अच्छा व्यू था यार, देखो अभी सूरज निकल ही रहा है अभी तो। और यहाँ से अपना घर वही लगभग हुआ 4 से 5 किलोमीटर, 5 से 6 होगा, ज़्यादा नहीं हुआ, तो घर भी पहुँचने ही वाले हैं। बाकी आपको बता दूं कि जो है बहुत दिन बाद चलाई है बाइक, इसलिए आज स्टंट तो नहीं मारेंगे, नहीं तो आप लोग को स्टंट भी दिखाता। वेली स्टॉप ही दोनों मारता ऊपर से, ये जो मेन रोड है मेन रोड भाई, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बाइक कार्स वगैरह हमेशा चलती रहती हैं, तो इस पर तो नहीं करेंगे कुछ। बाकी फिर भी आपको इंजॉय दिलाते हैं, मज़ा तो आना ही चाहिए। और अगर मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट करके जाओ भाई, सब लोग एक एक कमेंट कर दो, प्यारा सा कमेंट, लाइक सब्सक्राइब सब लोग करो यार, प्यार सपोर्ट बनाओ, जल्दी जल्दी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आप सबके लिए। अरे गाइस ये लो, भाई कट मारने में बहुत मज़ा आता है लहरा बना के। ये देखो गाइस न्यू ब्रिज बन रहा है, ये ब्रिज जो है पहले वाला कमज़ोर पुल है ब्रिज, ये जो पूरा ना बहुत पहले पुराना है तो ये कमज़ोर पड़ गया, पूरा टूट जाता है लगभग थोड़ा कहीं ना कहीं पे टूटने लगता है, तो अब न्यू ब्रिज बन रहा है। ओहो
भाई देखो क्या चला रहा है बैंकर ये बस वाला। अपनी बाइक चल रही थी 76 भाई, लगभग 80 की स्पीड में चला रहा है, 80-70 की स्पीड में भाई। ऐसे टाइम पे ऐसी जगह पे चला रहा है, इतनी क्या बोले इसको यार। भाई क्या ही किया जाए इनका। देखो 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 भाई, अब इनको क्या बोले, कार में बैठो निकल जाओगे, इसलिए नहीं तो इनको बताते हम। भाई घर पहुंचने वाले हैं, बस 1 किलोमीटर बचा यहाँ से घर। घर पहुँच के वीडियो को समाप्त करेंगे और नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। भाई जंप हो जाएगा, वो तेरी होगा जंप। भीड़ भाड़ में अलग ही लफड़ा रहेगा। भाई इस घर पे पहुंच चुके हैं और क्या कुछ नहीं, की निकल जाए तो। गाइस घर पे पहुंच चुके हैं, ये अपना पेंथेरो की पार्क कर दिया है और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ और आशा करते हैं कि इस राइड पे लो जैसे पहली वाली राइड पे आपको मज़ा आया था अपाचे पे। आप लोग बताइएगा नेक्स्ट ब्लॉग भी अपाचे पे ही ला सकते हैं अगर आप लोग बताएंगे तो। बाकी ये राइड यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। प्यार सपोर्ट हमेशा बनाए।